वेलकम टू आर्टनिक चैनल। इस ड्राइंग का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे सीख सकते हैं। इस तरह ड्राइंग को ट्रेसिंग पेपर रख कर हम ड्रॉ कर लेंगे पेन से। ड्रॉ करने के बाद में हम इसमें इसको ट्रेसिंग के लिए रेडी करेंगे। तो इसे नीडल से इस तरह से हम डिज़ाइन में वन बाय वन होल कर लेंगे। नीचे कुशन या पिलो रख लें। ड्रेसिंग करने से पहले हम जिस कपड़े पर पेंटिंग कर रहे हैं उसे वॉश कर लें, उसका स्टार्च निकाल लें, ड्राई करके फिर उसके ऊपर ड्रेसिंग करें, पेंटिंग करें। हमने इस ये डार्क कलर का कपड़ा है तो इसके लिए हमने जिंक पाउडर एंड केरोसिन का मिक्सचर लिया है। इस तरह से मिक्सचर बना लें, जहाँ पर भी हमें डिज़ाइन ट्रेस करना है उसे एडजस्ट करके इस तरह से वेट देकर ये कॉटन में हम इस तरह से पाउडर मिक्सचर लेंगे और इसे इस तरह रब करेंगे तो नीचे पूरी डिज़ाइन उतर जाएगी। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लीजिए फेब्रिकल का एक्रेलिक कलर बर्न्स सिन्ना 01, ब्लैक 02, ये कैमल का फैब्रिक कलर है, क्रिम्सन रेड 062, ये फेब्रिकल का ही कलर है, ये गोल्डन येलो 09, वाइट 27। एक ही ब्रश से इसमें पेंटिंग हो जाएगी। 3 नंबर का राउंड ब्रश लें। ट्रेसिंग करने के बाद में इस तरह से हम ये बाहर की पत्तियों में गोल्डन येलो फिल करके उसे ड्राई कर लेंगे और फ्लावर्स में वाइट करके इसे ड्राई कर लेंगे। इसके बाद में हम इसमें ब्राउन के और स्ट्रोक लेंगे। इस तरह ब्रश में ब्राउन कलर लेंगे और उसकी साइड्स को इस तरह से जो कलर है इसे कम कर देंगे। और ये जब हम स्ट्रोक बनाते हैं तो उसका डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ होता है, तो पत्ती का इस तरह से ऊपर होना चाहिए हेड। अब इसे इस बॉर्डर पर रखना है ब्रश को और नीचे साइड इस तरह तिरछे स्ट्रोक लेना है, तो झटके से लेंगे इसे। पहले आप ब्लैक कलर से प्रैक्टिस कर लें कॉपी पर तो आपका हाथ जम जाएगा, या पेन से भी हम प्रैक्टिस कर सकते हैं पहले। सिंपल है, सिर्फ इसे टिकाना है और इस तरह से झटका देना है, तो ये नीचे साइड इसकी नोक बनेगी और यहाँ पर इस तरह से इसका पोर्शन बनके कवर हो जाएगा। इस तरह से करें। ब्राउन वर्क कंप्लीट करने के बाद में इसे थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम रेड का वर्क कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह नीचे आउटलाइन लें, फिर इसमें भी स्ट्रोक लेंगे। तो पहले दूर दूर ले लें इस तरह, फिर इसको बीच में फिल करेंगे। इसकी आउटलाइन कर लें। अब ये टॉप पर भी हमें थोड़े से हल्के से स्ट्रोक लेना है। इस तरह से ब्राउन वाला वर्क ड्राई होने के बाद में हम इसमें वाइट की स्ट्रोक लेंगे। तो जिस तरफ ब्राउन नहीं है उस तरफ आउटलाइन करें। इस तरह से स्ट्रोक लें। इस तरह से इसे कंप्लीट करें।
ये सब कंप्लीट होने के बाद में हम ब्लैक कलर से आउटलाइन देंगे, तो इसी ब्रश में कलर ले लें या जीरो नंबर वाले ब्रश से भी आप आउटलाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।